हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ टेलकम पाउडर के यूजेस, और टेलकम पाउडर को आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या यूज हैं और कैसे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ टेलकम पाउडर के इस्तेमाल से। तो यही सब चीजें मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, कि जिस भी पाउडर का मैं इस्तेमाल कर रही हूं, ऐसा जरूरी नहीं है आप भी वही इस्तेमाल करें। आपके पास जो भी टेलकम पाउडर हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये दो टेलकम पाउडर है, ये पॉन्ड्स का है और ये सिंथोल का है। कूल फ्लेवर में है ये सिंथोल का कूल है और मैं ये वाला इस्तेमाल कर रही हूं। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। तो यहां पर मैं यही वाला पाउडर इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसी के हैक्स मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो आपके पास जो भी टेलकम पाउडर हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप टेलकम पाउडर को फेस प्राइमर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जब भी हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हमें हमारे फेस पर प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ। जब भी कोई मैं मेकअप ट्यूटोरियल करती हूँ तब भी मैं आपको जरूर बताती हूँ कि प्राइमर अपने फेस पर जरूर लगाइए, उसके बाद ही आप फाउंडेशन को अप्लाई कीजिए अपने फेस पर। इससे आपका फाउंडेशन जो है बहुत इजिली ब्लेंड हो जाएगा और बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। तो यहां पर आप टेलकम पाउडर को भी फेस प्राइमर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है। ये देखिए, मैंने इस वक्त अपनी आईब्रोज पर, अपनी आईज पर कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है। तो यहां पर मैं सबसे पहले ये थोड़ा सा टेलकम पाउडर ले लेती हूं, बिल्कुल जरा सा लेना है आपने। तो ये देखिए मैंने ले लिया है और इसे मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। आप चाहें तो डायरेक्टली फिंगर की हेल्प से भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और मैं यहां पर इस पफ की हेल्प से इस पाउडर को अपने पूरे फेस पर लगा लूंगी। और इससे आपके फेस पर एक इंस्टेंट ब्राइटनेस भी आती है, इंस्टेंट ग्लो भी देता है आपके फेस पर। और ये कूल है तो काफी ठंडक महसूस हो रही है इस वक्त मुझे मेरे फेस पर। तो ये देखिए मैंने अपने फेस पर लगा लिया है इसे फेस प्राइमर की तरह। और सेकंड जो मेरी टिप है वो ये है कि आप कंसीलर भी बना सकते हैं इस टेलकम पाउडर की हेल्प से। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर मैं ले रही हूं फाउंडेशन, थोड़ा सा फाउंडेशन ले लीजिए। और अगर आपके पास कंसीलर नहीं है या खत्म हो गया तो आप इस तरीके से भी अपना कंसीलर जो है तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया है और उस पर मैं थोड़ा सा ये सिंथोल का टेलकम पाउडर स्प्रिंकल कर लूंगी इसके ऊपर, इस तरह से जस्ट थोड़ा सा ही लेना है आपने। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको कम लगता है तो आप और भी ले सकते हैं। तो यहां पर मैं इसे अपनी आईज पर लगा लूंगी और जहां भी मुझे हल्के फुल्के डार्क स्पॉट हैं यहां पर लाइक, तो मैं इसे यहां पर भी लगा लूंगी। आप इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से भी। और नेक्स्ट जो मेरी हैक है वो ये है कि आप अपने फाउंडेशन को भी इससे सेट कर सकते हैं, सेटिंग पाउडर की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले इस्तेमाल कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। आप कोई भी फाउंडेशन लगा सकते हैं। कंसीलर आपने देखा है मैं लगा ही चुकी हूं, अब मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। आप इसकी हेल्प से अपना पूरा एक फेस का मेकअप भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूं। और मैं अपने फाउंडेशन का सेट कर लूंगी इस टेलकम पाउडर की हेल्प से। और जो नेक्स्ट यूज है वो ये है कि अगर आपकी पलकें लंबी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, घनी नहीं है, तो आप इस टेलकम पाउडर की हेल्प से अपनी आईलैशेस को लंबा और खूबसूरत बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये एक तरह से मस्कारा प्राइमर का भी काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए, अब मैं इसे अपनी पलकों पर लगा लूंगी। आप चाहें तो मस्कारा का जो एप्लीकेटर होता है अगर आपके पास है तो उसकी हेल्प से भी आप इसे लगा सकते हैं।
बहुत ही ध्यान से लगाइए कि कहीं आपकी आईज में ना चला जाए। और अब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी अपनी आईलैशेस पर। जो नेक्स्ट यूज है वो ये है, जब भी आप अपना आईज का मेकअप करते हैं यानी कि आई शेडो अप्लाई करते हैं या फिर ग्लिटर वगैरह अपनी आईज पर लगाते हैं, तो आप बेकिंग के लिए भी टेलकम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा टेलकम पाउडर ले लूंगी, इस तरह से अप्लाई कर लूंगी। और अब आप अपना आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा फॉल आउट होता है उसे बाद में डस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये काफी इजी तरीका होता है। और जो भी ग्लिटर्स वगैरह आपकी यहां पर लग जाते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। और जो नॉइज आ रही है प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और जो नेक्स्ट यूज है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा गर्मी में हमारे बाल ऑयली हो जाते हैं, ग्रीसी हो जाते हैं पसीने की वजह से और बहुत ज्यादा चिपचिपे लगने लगते हैं। तो ऐसे में आप इस टेलकम पाउडर को ड्राई शैम्पू की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। जहां भी आपको अगर ऑयलीनेस नजर आ रही है अपने बालों में, बहुत ज्यादा ऑयल नजर आ रहा है, तो आप वहां पर इस तरीके से इसे लगाकर रब कर सकते हैं। और मैंने आज सुबह में ही बाल वॉश किए हैं तो मेरे बाल इतने ज्यादा चिपचिपे नहीं लग रहे हैं। और जो नेक्स्ट जो मैं आपको यूज बताने जा रही हूं वो बड़ा ही काम का है। अक्सर गर्मी में हमारे पैरों में पसीना आ जाता है और जिसकी वजह से हमारे पैरों में स्मेल होने लगती है और या फिर रैशेस भी हो जाते हैं, तो ऐसे में आप अपने पैरों में टेलकम पाउडर को लगा सकते हैं। इससे पसीने की बदबू भी दूर होगी और जो रैशेज होंगे वो भी आपके दूर हो जाएंगे और जो इचिंग होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो अगला जो मेरा हैक है वो बहुत ही कमाल का है और हम गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अक्सर आपने देखा होगा कि वैक्सिंग करवाते वक्त हमें थोड़ा डर भी लगता है और बाल एक बार में नहीं निकलते हैं तो बहुत ही ज्यादा पेन हो जाती है। तो ऐसे में आप अपनी वैक्सिंग को अगर पेनलेस बनाना चाहते हैं, पेन नहीं चाहते हैं, तो आप अपने वैक्सिंग से पहले टेलकम पाउडर को अप्लाई कर लीजिए। जहां भी आपने वैक्सिंग करनी है तो आप टेलकम पाउडर को अप्लाई कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप वैक्स लगाइए। तो इससे आपके जो हेयर्स हैं वो एक ही बार में रिमूव हो जाएंगे और आपको पेन भी नहीं होगा। और अगर आपको गर्मियों में बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है या रैशेस हो जाते हैं, तो ऐसे में आप अपनी स्किन पर टेलकम पाउडर को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन को ठंडक भी मिलेगी और आपकी स्किन पर रैशेस भी नहीं होंगे। और जो मेरी नेक्स्ट हैक है गाइस वो बहुत ही कमाल की है। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपकी ग्लॉसी लिपस्टिक है तो आप ग्लॉसी लिपस्टिक को मैट बना सकते हैं इस टेलकम पाउडर की हेल्प से। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर मैं ये एलेटिन की लिपस्टिक लगा रही हूं और हर एक गाइज मैं आपको यूजेस अपने फेस पर इसीलिए कर दिखा रही हूं ताकि आप बिलीव कर सके कि आप टेलकम पाउडर की हेल्प से भी कुछ इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। और अब मैं ये टेलकम पाउडर लूंगी, बस थोड़ा सा ही आपने लेना है, आप देख सकते हैं। और इसे आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो आप देख सकते हैं मेरी जो लिपस्टिक है वो मैट हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा यूज है टेलकम पाउडर का, इस तरीके से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे मेरे आज के 10 ऐसे यूजेस टेलकम पाउडर के जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और आई एम श्योर ये बिगिनर्स और टीनेजर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई मेकअप प्रोडक्ट्स, हर एक तरह के मेकअप प्रोडक्ट सभी के पास हों या हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मैंने आपको आज ये टेलकम पाउडर के कुछ ऐसे यूज बताए हैं जिससे आप अपने मेकअप को कम्प्लीट कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको ये मेरे टेलकम के यूजेस पसंद आए हों। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरे आज के टेलकम पाउडर के यूजेस पसंद आए हों, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अमेजिंग वीडियोज के लिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी इससे न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये बिल्कुल फ्री है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।